शमशेर, रणबीर, इस पर हाथ लगाओ बेटे। पंडित जी सरदार, इसे गरीबों में बांट दीजिए। जी। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। धर्मात्मा हो तो ऐसा, कलयुग में सतयुग के अवतार हैं भैया। बड़े सरकार, फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, हर किसान खुश है बड़े सरकार। क्या आप भक्ते हो? किसानों को खुश होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनकी खुशी हमारी जमींदारी के लिए खतरा बन सकती है। रतन सिंह, बड़े सरकार, अच्छी फसल के दो ही दुश्मन होते हैं, एक आग और एक पानी। आती पूर्णमासी को नदी का बांध तोड़ दो, बांध के पानी के साथ साथ किसानों की खुशियां भी बह जाएंगी। इस साल फसलें डूबी तो क्या हुआ, हम मिलकर मेहनत करेंगे तो फिर से खुशियां आएंगी। अरे खुशियां जब आएंगी तब आएंगी, हमें तो उसकी चिंता है तो 3 महीने बाद ही इस घर के आंगन में आएगा। क्या वो बच्चा भी गरीबी में पलेगा? चिंता क्यों करते हो, ठाकुर के पास जाकर कुछ पैसे ले आओ, वो तुम्हें ना नहीं कहेंगे। लेकिन भोला, तुम तो अपनी सारी जमीन हमारे पास गिरवी रख चुके हो। क्या कह रहे हैं मालिक? हम नहीं कह रहे भोला, ये हिसाब कह रहा है। तुमने अपनी 10 एकड़ जमीन 300 रुपए में हमारे पास गिरवी रखी थी। भगवान की सौगंध मालिक, हमने तो 300 रुपया में 1 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी, ये 1 के 10 कैसे हो गए? क्या हमने बना दिया 1 के 10? तो और कौन बनाएगा, खाता भी तुम्हारा और मुनीम भी तुम्हारा। खबरदार जो एक लफ्ज़ और बोला। बोलेंगे क्यों नहीं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, किसान की जमीन लूटी है। धरती से लूट बर्दाश्त नहीं होगी, जिस दिन धरती ने मुंह खोला तुम जैसे सारे आसमानों को निकल जाएगी। ठाकुर साहब, लगता है मर गया। इसकी लाश को उठाकर जंगल में फेंक दो। छोटे, अरे बोल मत, सुनता जा और लकड़ी से सुनता जा। छोटे, देखा 4 पे भारी है। अरे खैर, मालिक बुला रहे हैं यार। माफ करना मालिक, जरा इन लोगों को लठिया सिखा रहा था। अरे माफ करना सरकार, इस छोटे को बड़े पे चढ़ने की बुरी आदत पड़ गई है, माफी चाहते हैं सरकार। ये कागज लेकर शहर जाओ और हमारे छोटे भाई से कहना कोर्ट में इनकी रजिस्ट्री करवा लें, समझे? समझ गया, जरूर किसी का पार्सल होने वाला है। अब बोल मत, सुनता जा। आइए आइए बड़े भाई साहब के छोटे बाबू, आइए। पाए लगी सरकार, बोलो मत सुनते जाओ। बड़े सरकार ने ये चिट्ठी और कुछ कागज आपके नाम पे भेजे हैं। पैर हटा। आपका पैर हटाऊं? अबे अपना पैर हटा। अरे सरकार, छोटे की ये मजाल कि बड़े पे चढ़ गया। अरे सरकार, माफी चाहते हैं, पैर ही तो है ना। ठीक है ठीक है, भाई साहब से हमारा सलाम कहना और कहना कि उनका काम हो जाएगा। उनका काम तो हो जाएगा, तुम्हारा काम कब होगा? शेरा, कने होश बाकी है चांद देवी। जिसे अल्लाह जिंदगी देना चाहता है उसे कौन मार सकता है। शेरा, इसे साथ ले चलो। ऐ नेकी और सच्चाई के मुहाफिज, तेरे दर पे जो भी सवाली आता है कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। अगर इसके अमाल नेक हैं, अगर इसके दिल में खुदा का खौफ है और अगर ये गुनाहों से दूर है तो इसे अपनी रहमत से नवाज दो बाबा, इसे जीने का हक दो। ओ साईं बाबा, ओ साईं बाबा, ओ साईं बाबा, ओ साईं बाबा, करियो कबूल मेरी निजा, मेरी निजा। चांद बीबी से होश आ गया। कौन है आप लोग? आप हमें जख्मी हालत में जंगल में मिले थे। कहाँ रहते हैं आप? आपका घर कहाँ है? मेरा घर कुछ भी नहीं जानता। आप कौन हैं? हम इंसानियत के दोस्त हैं और जुल्म के दुश्मन हैं। तो मेरी पहचान भी है, जख्मी ही है, जख्मों के निशान। मैं ये भी नहीं जानता कि दुनिया में और कोई मेरा अपना है भी या नहीं। अगर होगा भी तो वो भी कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला ही होगा। मुबारक हो गंगा, बेटा पैदा हुआ है। मुन्ना के बाबू, कितना चाव था तुम्हें अपने बेटे का। उसे देखने नहीं आओगे? कहाँ हो तुम? चांद बीबी जी, बच्चे को ये किस लिए बांध रही हो? इसे बुराई से बचाने के लिए। हमारा ये एतमाद है कि साईं बाबा की विभूति पास हो तो ये तलवारों की काट को रोक देती है, गोलियों का मुंह मोड़ देती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को खाक में मिला देती है। अरे वो रहा, अरे पकड़ो इसे। साले छोटे ठाकुर को पत्थर मारता है। मैंने काम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था। तेरे बाप का है क्या? ए, बाप का नाम मत लेना। तेरी ये हिम्मत! उठाकर फेंक दो इस सपोले को पानी के अंदर। विजय, विजय बेटे, विजय बेटे आंखें खोल। बेटे, बेटे, तू ठीक है? उठ। कौन है तू बेटे? किस गांव का है? तूने आज मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या नाम है तेरा? अमर। कहाँ रहते हो? यहीं। क्या? मेरा कोई नहीं है। तो तुम्हारे माँ बाप? मैं अकेला हूँ, मेरी कोई माँ नहीं है। नहीं बेटे, आज से तू अकेला नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ। खेतों में काम नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा बेटा? मुझे वैसे भी स्कूल से ज्यादा खेत प्यारे लगते हैं माँ। आज से विजय किताबें पढ़ेगा और मैं खेती। ठीक है माँ? बेटे मजलूमों का साथी, बेबसों का भाई और अबलाओं पर जुल्म करने वालों के लिए कसाई हूं मैं। कालिए, मेरे फेंके हुए इस छोटे से कंकर से तुम और तुम्हारा घोड़ा किस तरह गिरे, इससे तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा तो हो गया होगा। तुम जैसों की ताकत को हम अपने पांव के नीचे रौंद देते हैं। अरे इन हाथों में बड़ी ताकत है, तेरे पांव को तोड़ मरोड़ कर लंगड़ा नहीं कर दिया तो मेरा नाम अमर नहीं। मत भूलो अमर, हमारे पांव दौलत के पहाड़ पर जमे हैं। तुम्हारी गरीबी उस पहाड़ तक पहुंचने से पहले तुम तोड़ देगी। जब गरीब का खून खौलता है तो उसके गुस्से के सैलाब में दौलत के बड़े से बड़े पहाड़ डूब जाते हैं। ठाकुर, जो हमें डुबाने का ख्वाब देखता है हम उसे मिटा कर रख देते हैं। और तू एक घंटे से औरतों की तरह ताने दिए जा रहा है। माँ का दूध पिया तो आगे तेरी ऐसी तैसी हाथ तेरी तो। मेरी कसम है अमर, रुक जा। तो रुक गए जी, चल अब घर चल। ओ बोले जा रहा है माँ, मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, घर चल। माँ हमने उसको जमीन के लिए हमने अपने आप को बेचा तो नहीं? तू माँ देख लूंगा, आज तो किस्मत ने बचा दिया तुझे, नहीं तो तेरा बाजा बजाते था। तुझे कसम देने की क्या जरूरत थी माँ? देख लेना, ठाकरों में से कोई ना कोई एक दिन मेरे हाथों से जरूर मरेगा। हमने जमीन गिरवी रखी, अपने आप को बेचा तो नहीं? मेहनत कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, छोटा आ जाएगा, पढ़ लेकर कुछ पैसे कमाकर हम दोनों इनके मुंह पे मारेंगे। वो तो ठीक है, मगर इनसे दुश्मनी अच्छी नहीं। ये तो ऐसे जालिम हैं कि भूखे के मुंह से निवाला छीन लेते हैं। लगान देने को तो पैसे नहीं है और बच्चे को मिठाइयाँ खिला रहा है। अरे त्योहार का दिन था, बच्चा जिद कर रहा था। बच्चे की जिद तो पूरी कर सकता है और ठाकुरों के पैसे नहीं दे सकता। निकाल लगान के पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं है? अरे साले मोह, मेरी सारी जमीन तो ठाकरों ने छीन ली, अब लगान किसका मांगते हो? पुराना हिसाब जो बाकी है क्या तेरा बाप चुकाएगा? अगर पैसे नहीं है तो ले मकान के कागज, इस पर अंगूठा लगा। नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। क्यों ना शैतान की औलाद बच्चे पर बहादुरी दिखाता है? दुकान है बे, चल चल अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ, मैं ऊपर आऊं या तू नीचे आता है? अच्छा तो ले, मैं नीचे आता हूं। वाह बहुत अच्छे, कूदी तो बहुत अच्छी मारी है। किस जात का लंगूर है तू? जात? ये देख मेरी जात तेरी असली नहीं है। नक दिन धुन धुन मुन्ना, काट दिन का धुन्ना, आ गया तेरा भाई। मोटी झक्की वाला भोट किधर को जा रही है? सोना है, आँखें भी नीची, मूछे भी नीची, ऐसा लग रहा है कुछ करवा के आ रही है। आजा आ तेरे मैदान खाली मारे नहीं जाना हो। देखो ओ देखो ओ देखो हमसे न टकराना, ओ देखो हमसे न टकराना, ना 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 हमसे न टकराना। बहुत दिनों बाद घर का खाना मिला है ना, कुछ ज्यादा ही खा गया। होटलों का खाना खाते खाते तो तेरा मन उब गया होगा। अब तो अपनी किस्मत में यही है भैया, नौकरी लगेगी तो बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। जो बाहर रहते हैं घर का खाना उन्हें भी मिलता है, तेरा भी इंतजाम हो जाएगा। पहले शेरपुर जाकर अमर की शादी की बात पक्की करा। एम्मा, मुझे तो अच्छा खासा घर का खाना मिल रहा है। बात विजय की शादी की हो रही थी। उसकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद। नहीं माँ, मैं नाक में नकेल नहीं डालूंगा। मैंने जो कहा वही होगा। मैंने लड़की देख ली है, जाके सिर्फ हाँ करनी होगी। नहीं माँ, मुझे शादी करनी ही नहीं। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। तुझे मेरी कसम। जब माँ ने कसम दे दी है तो ठीक है। क्या ठीक है? भड़कता का को है। तू आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे आता हूँ। पीछे पीछे? आओ बेटी आओ, रख दो रख दो रख दो। भाई हमें तुम पसंद हो, अगर हमारी बेटी पसंद हो तो बात। हाँ जी वो पसंद है जी, बहुत पसंद है। लड़का शर्माता है, सगुन देकर बात पक्की करना। हाँ जरूर जरूर। ये लो बेटे, ये लड्डू 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 खा लो बेटे, खा लो, शौक से खा लो, मगर ये शगुन तो ले लो। रुक जाओ, ये मेरे साथ अन्याय है, अत्याचार है। अत्याचार किसके साथ? मेरे साथ, मेरे साथ। इसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा। हाँ, मैंने भी प्यार में आकर कह दिया ठीक है, मांग भरो सजना। लेकिन इसने मांग की जगह मेरा मैं खुदकुशी कर लूंगी। शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसा काम करते हुए? क्या बात करती है, अरे इस उम्र में ये काम कर सकता हूँ मैं? माँ जी, पापी ये नहीं है, पापी तो ये है। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? माँ जी, इसने मुझे कहा चल मैं तुझे बाइस्कोप दिखाता हूँ, मैंने गलती से कह दिया कुंवारा बाप देखूंगी। इसके बाद धक्के पे धक्का, धक्के पे धक्का। माँ जी फिर मैंने फिल्म देखी। फिर बस पिक्चर देखने के बाद ये मेरे साथ मत बड़ी बातें करने लगा कि बोला चल मैं तुझे कली से फूल बना दूंगा। मैंने सोचा मेकअप करके मेरा चेहरा दिखाएगा। मैं नादान कमसीन इसकी बातों में आ गई और इसने मुझे कली से फूल बना दिया। झूठ बोलती है। आप शगुन दीजिए जी। शगुन? मेरे होते हुए शगुन? मैं कोई खिलौना नहीं और प्यार की जूती नहीं। मेरी इज्जत बचाओ, मेरी आवाज सुनो, मुझे इंसाफ दो। चलो चलो नीचे उतरो। उतरा तो लाला जी, मुझे आपकी बेटी का रिश्ता पसंद है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, निकलो यहाँ से। खबरदार जो मेरे पति के बारे में ऐसा कहता हूँ। प्राणनाथ, इसने ना कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो हाँ हूँ ना। हाँ शीलो, हाँ गुरु जी। अरे हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारा वक्त झुकी हुई डाली की तरह गर्दन झुकाकर बैठा रहा, लड़की की तरफ तो देखा भी नहीं। क्यों? लड़की क्यों नहीं देखी तूने? अमन देख, तूने कसम दी थी ना हर बात के लिए हाँ बोलना हाँ बोलना। मैं हर बात के लिए हाँ बोलता गया, उन्होंने ना कर दी, मैं क्या करूं? अरे तूने हाँ की फिर भी उन्होंने ना कर दी। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उनसे, मेरे सोने जैसे बेटे को ना कैसे कर दिया? लोगों के घर जाने की क्या जरूरत है? हाँ माँ, क्या पता भैया की किस्मत में कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। ए, तेरा शादी करने का विचार है कि नहीं? क्या बात करता है, सदा ब्रह्मचारी तभी करेंगे खेती बाड़ी। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये गाड़ी मंडी जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों नहीं, तुझे साथ लेके। सुन, शहर की आजकल लड़कियाँ बहुत खराब है, जरा ख्याल से जाना, इधर उधर नहीं देखना। ए रघु, भाई का ख्याल रखना। तू फिक्र मत कर। ओए चल ले, फिक्र मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। हाँ शाबाश शाबाश। क्या पता आजकल का जमाना खराब है, किसी लौंडिया ने आंख मार दी, अपना लौंडा अगर फिसल गया तो। से बचकर रहना तो फिर दुनिया में क्या रहना। जी हे जियो हे जियो तो अच्छा है हम दिल के रोगी बन जाए। रोग बुराने का दर्द बड़ा होगा, दिल का दर्द मजा देता है दर्द ये हंस कर सहना। जी दिल का दर्द मजा देता है दर्द ये हंस कर सहना। जी इससे बच कर रहना तो फिर दुनिया में क्या रहना। इससे बचकर रहना तो फिर दुनिया में क्या रहना। जी ए जियो ए जियो आज नहीं तो कल होगा ये एक रोज मगर होगा। ये दिल धड़केगा शोला भड़केगा, तू औरत मैं मर्द नहीं हम कोई तोता मैना। जी तू औरत मैं मर्द नहीं हम कोई तोता मैना। जी इससे बचकर रहना तो दुनिया में क्या रहना। जियो सोने के काम आती है और अर्थी उठाने के भी। रास्ता छोड़, पहले लड़की छोड़। अबे मैं बोलता रास्ता छोड़। सोच लो कहीं कुछ हो गया कुछ ना कहना। जी अबे हटा इस रास्ते के कंकड़ को। लगता है आंखें कमजोर हैं। ये कंकन नहीं पहाड़ है पहाड़। क्या बोलता है, हमसे ना टकराना। लगे तनु, लगे तनु, ये देखियो। हाँ, वाकई इसका नाम जवानी है, लेकिन जवानी का रात में अकेले निकलना नादानी है। ये लोग जबरदस्ती मुझे नौटंकी से उठा लाए। अगर तुम ना आते तो। आता कैसे नहीं, बचपन से यही काम करता आ रहा हूँ। आगे के लिए पता लिख लेना, नाम विजय, गांव शरीफपुर। कभी फंस गई तो पिन कोड भी याद कर लो। घंटी बजा देना, हाजिर हो जाऊंगा। अब तो आना ही पड़ेगा शरीफपुर, घंटी जो बज गई है। सारे नशे की ऐसी की तैसी कर दी तुम लोगों ने। एक लड़की तक नहीं उठा सकते तुम लोग। शर्म से डूब बनाओ। जहां भी जाते हो मार खा के चले आते हो। अरे वो है उस्ताद बना लड़ता है, उसके साले की टांगे ठीक नहीं होते। आराम से पड़ा हुआ अस्पताल में। जल्दी जल्दी ये जंजीरें खोल डॉक्टर। आज सुबह से मेरे बाजू फड़फड़ा रहे हैं। उस साले ने बहुत उठक बैठक करवाई थी। आज उसे मैं जमीन चटाते चटाते यहाँ ले आऊंगा। क्यों बे, उसे मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? हाँ उस्ताद, मैं उसे खुद बोलकर आया था। हाँ ठीक है। अरे भाई क्या करते हो, धीरे धीरे चलो। अरे क्या धीरे धीरे, ये बेड किसी और को नहीं देना डॉक्टर। पट्टियां और प्लास्टर तैयार रखना, अभी भिजवाता उसे स्ट्रेचर पे। चलो आज छोड़ना नहीं। तेरा संदेशा मिल गया था, मैंने सोचा तुझे चलने में तकलीफ होगी, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया। तकलीफ? अरे तकलीफ तब तुझे होंगी, उसका सोच। मैंने कहा था ना, हॉस्पिटल से निकलते तुझसे निपटूंगा। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मैं तुझे हॉस्पिटल से निकलने दूं तब ना। डॉक्टर! लगे नालों टूट गए चंगी, जड़ी बेकदरा दी। एक क्या निकाल दिया जोकर बेगम, एक भी नहीं है इस साली। ये क्या हुआ तुझे? अब बेगम के बारे में सोच रहा था। बाजी तेरे पास है तो एक ही, मगर वाह, समझ लो बाजी जीत गए। अच्छा क्या फेंका था? वो फेंका था मैंने। आप बताओ क्या फेंका था? एक घंटा का फेंके हुए ये गुलाम फेंका था। नहीं चाहिए। आ, 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 मेरी रानी। ए रानी, ये घंटी की आवाज? मुझे लगता है अपनी गाय खुल गई। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं देखता हूँ। मुझे लगता है गाय नहीं घोड़ी है। घोड़ी कैसे हो सकती है? घोड़ी के गले में घंटी बांधी थी कभी हमने? नहीं नहीं, क्या है, सुबह मैंने घंटी बांधी थी। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ये जब से शहर से आया इसका दिमाग हिल गया है। घोड़ी के गले में घंटी बांधी कल। मेरे घोड़े के गले में घंटा मत बांधना। तू यहाँ क्या करूं? तू निकलता ही नहीं, ना दिल से ना दिमाग से। बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुई तो चली आई। मगर रात में इतनी दूर 10-12 कुछ चलकर आना। तेरा नाम लेते लेते चली आई, ना दूरी का पता चला ना अकेलेपन का। सच सच बता, तूने क्या जादू कर दिया है मुझ पर? क्या बात है, काबू में नहीं आ गई? ओ भैया काबू में है। लगता है छड़े मार रही है तो। ओ भैया जरा मस्ती में है, तू सोचा ना मैं इसे घुमा कर लाता हूँ। कौन है? मेरा भाई। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसे नहीं पता चला कि तू यहाँ है, वो तुझे घोड़ी समझ रहा है। मुझे घोड़ी बनना भी मंजूर है, मगर सिर्फ तेरे तबेले की। तबेला यहाँ और घोड़ी 12 कोस दूर। अरे घोड़ी को घास तो डालना शुरू कर, फिर देख बापू को मनाकर इसी गांव में ले आती हूँ। फिर घोड़ी भी यहाँ और तबेला भी। फिर तो मुझे हर पल तुझ पर नजर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर के बेटे हैं यहाँ, हुस्न और जवानी के दुश्मन। ओह, राम राम सरकार, माफ करना हम जरा। कौन हो तुम? बेला, हमारे बापू बीमार हैं, हम उनकी जगह काम पर आए हैं। छोटे, कौन है? अरे गिरधारी की बेटी। गिरधारी की बेटी है? अरे तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, लाओ साफ कर देते। नहीं सरकार, हम गरीबों की तो यही कमाई है, पसीना नहीं बहेगा तो रोटी नहीं मिलेगी। अरे धत तेरे की, हमारे होते हुए तू रोटी की फिक्र करती है। छोटे। नहीं सरकार, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम आपके नौकर हैं। और अच्छे नौकर मालिक का हुक्म मानते हैं, इनकार नहीं करते। चुप नहीं रहेंगे, हम सारे गाँव वालों को बता देंगे कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है। हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। चुप कराना हमें अच्छी तरह आता है। मर गई साली। छोटे, अपने आदमियों को बुलवाकर इसकी लाश गांव के बाहर फेंकवा दो। पूछ पूछ के थक गया, बोल बोल के हार गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। हवेली में कोई नहीं बताता कि मेरी बेटी कहाँ है। चांद बीबी ठाकरों की नियत का कोई भरोसा नहीं। नहीं, गरीब की इज्जत कोई बिन मालिक की एक जमीन का टुकड़ा नहीं जिसे कोई भी हथियार ले। हमारे होते हुए ये जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकुर से हिसाब मांग रहा है। सुन लो, तुम में से एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने पाएगा, समझे? तेरे हाथों में वो ताकत नहीं ठाकुर जो हमसे हमारी जिंदगी छीन सके। जिंदगी लेना और देना तो अल्लाह के हाथों में है। बादशाह बेटे, ऊपर अल्लाह और नीचे बादशाह। अल्लाह नहीं बख्शता कोई गुनाह और बादशाह नहीं बख्शता कोई जुल्म। जब जब नाइंसाफी के खिलाफ किसी बेबस के दिल से कोई ऊक उठी है, तब तब बादशाह की बंदूक ने उसे इंसाफ दिलाया है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ठाकुर, तो सच से बता दे, गिरधारी की बेटी कहाँ है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? ये तेरी बेटी, ये तो तुझे मालूम है ना? खबरदार जो ठाकरों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। और जब तू गरीबों की इज्जत पे हाथ डालता है, उस वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आता कि तेरे घर की भी कोई इज्जत है और उसे भी कोई लूट सकता है? ठाकुर, तुम्हारी इज्जत को इज्जत के साथ ले जा रहा हूँ। और इज्जत के साथ ही रखूंगा उस वक्त तक जब तक गिरधारी की बेटी सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच जाती। अब हुआ मालूम आहों का धुआं होता है क्या, अपने दामन में लगी आग तो रोता है क्या। हट। अच्छा ये औरत के हाथ है और बादशाह कभी औरत पे हाथ नहीं उठाता। काका जब तक तुम्हारी बेटी नहीं मिल जाती तब तक ये ठाकुर की लाडली बेटी यही रहेगी। सरदार सब खाना खा चुके सिवाय ठाकुर की बेटी के। क्या कहती है, खाना पसंद नहीं? बोलती है मैं खाना नहीं खाऊंगी। बादशाह का मेहमान कभी भूखा नहीं रह सकता। हमें मालूम है कि जानवर के मुंह खून लग जाए तो उसे घास अच्छी नहीं लगती। हमें यह भी मालूम है कि अमीरों से गरीबों की हड्डियां तो चबाई जा सकती हैं, उनके घर की रोटी नहीं। हम आपको सोने का निवाला तो नहीं खिला सकते, लेकिन हम गरीबों के पास पेट भरने के जो कुछ भी रूखी सूखी है आप उसे खा लो। हम कुछ सुनना नहीं चाहते इंस्पेक्टर। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने बादशाह डाकू को नहीं पकड़ा और अगर हमारी बेटी घर वापस नहीं आई तो समझ लेना। तुम्हारी बेटी आ गई, ये बहुत अच्छा हो गया। अब डाकू बादशाह को पकड़वाने में ये हमारी मदद करेंगे। बादशाह तो सिर्फ नाम का डाकू है इंस्पेक्टर साहब। पहले तो आप उन डाकुओं को पकड़िए जो शराफत और इज्जत का नकाब पहने आपके आसपास मौजूद हैं। मुझे बादशाह से कोई शिकायत नहीं। ये रुपए लेके कहाँ जा रही हो? इस आदमी को पहचानते हो? ये उस बदनसीब लड़की का बाप है जो इस हवेली में काम करने आई थी और आज तक घर वापस नहीं पहुंची। ओफो, घर नहीं पहुंची तो उसे हमें क्या लेना देना? कहीं मर गई होगी? मर गई या मार दी गई? क्या कह रही हो तुम? हमें क्या मालूम? ये लो गिरधारी। एक नौकरानी के लिए इतना पैसा? एक नौकरानी के लिए नहीं, एक जिंदगी के लिए जिसकी तुम्हारी नजरों में कोई कीमत ही नहीं। देखा पिताजी, 2 दिन डाकुओं के साथ रहकर आई है और बातें भी डाकुओं की तरह शुरू कर दी इसने। तुम ये रुपया नहीं दोगी। ये मत भूलो भैया कि इस हवेली पर मेरा भी हक है। क्या पकती हो? अपने घर वालों के खिलाफ एक डाकू की तरफदारी करोगी? उस डाकू के साथ क्या सलूक करना है मैं जानती हूँ। भाई साहब, हाँ, हम कब तक पत्थरों पर सर फोड़ेंगे? तो पत्थर तोड़वाओ, लॉरियां बुलवाओ, बेवकूफों की तरह इधर से उधर सामान भेजो, पत्थर भेजो। मैं एक स्कीम लेकर आया हूँ। वो क्या? इधर देखिए, यहाँ हम शराब की फैक्ट्री लगाएंगे। इससे बड़ी ये जगह हो नहीं सकती क्योंकि नदी बिल्कुल करीब है। वेरी गुड, इसमें सोचने की बात क्या है? छोटे बाबू को बुलाओ। आप बुलाओ ना छोटे बाबू। छोटे सरकार, छोटे बाबू, छोटे सरकार, छोटे बाबू, छोटे सरकार, छोटे बाबू, छोटे सरकार, छोटे बाबू। ये देखो, माफ करना सरकार, माफ करना सरकार। ठीक है ठीक है सरकार, सुनाइए। देखो छोटे बाबू, ये जमीन हमें शराब बनाने की फैक्ट्री के लिए चाहिए। हाँ तो ले लीजिए। अरे बोल मत, सुनता जा। इस जमीन पर शराब तो आप बाद में बनाएंगे। वो दोनों भाई मिलकर पहले आपके कबाब बनाकर खा जाएंगे। क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूँ सरकार, अमर और विजय की जमीन है। सुना है छोटा तो शहर जा रहा है, रह जाएगा एक, सो उसके आगे दो अपना मत्था टेक। कभी नहीं। अरे बोल मत, सुनता जा। अमर ताकत में शेर है, मगर झरबेरी का बेर है। दिल का भोला, एकदम मासूम, बिल्कुल बच्चे की तरह। अबे क्यों बे? अबे कोई और जगह नहीं मिलती तुम्हें गिल्ली डंडा खेलने की? है जब देखो यहीं पे है। अच्छा खासा है, लुखाड़ दिया। बोल किस बात की खुजली हो रही है? फुटबॉल खेलने की? नहीं, गिल्ली डंडा खेलने की। गिल्ली डंडा खेलने? गिल्ली डंडा खेलने से क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? अजी तकलीफ क्या, अच्छा खासा है लुखाड़ दिया। तो लाओ एल जोड़ देते हैं। बच्चों को क्यों डांट रहे हो? ला इधर। इतना सा एल उखड़ गया तो इसे तकलीफ हो रही है। बड़े बड़े एल उखड़ जाते हैं, लोगों को कुछ नहीं होता। चल जोड़ जाए। क्या निशाना है पापे? अरे ये क्या निशाना है? निशाना तो लुधियाना में लगाया करता था मैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, एक चुटके ने मारा टुल्ला और जाके लड़की की आंख में लगा। लड़की की आंख क्यों लटक के बाहर आ गई? इतनी बड़ी आंख। घर वाले रोने लगे, बेचारी की शादी नहीं होगी, क्या करेगी, कुंवारी बैठी रहेगी। लोगों ने इसमें डरने की क्या बात है? उसको बुलाओ, अमर को। अमर को, अमर मेरा नाम। अमर मारा जो टुल्ला, ठाचक आंख अंदर। लड़की को उसी आंख से ज्यादा दिखाई देता है। वैसे हम लुधियाना से टुल्ला मारते थे, सीधा कन्याकुमारी तक जाता था, बीच में नहीं रुकता था। हैदराबाद वाले एक दूसरे सब ऊपर देखते रहते थे, ये अमर का टुल्ला जा रही है। कहाँ मेरा दूसरा था, टुल्ले की तो आदत थी। हाय माँ, मैं मर गई, मेरी आँख। अरे देख दीजिए, कहीं गोली अंदर तो नहीं रहेगी। एक मिनट, एक ओह सूज गई है तो। एक मिनट, हाय मेरी आँख। अरे ये पता गिल्ली मारी किसने? अजी गुल्ली मुझसे लग गई थी। तुम गिल्ली डंडा खेल रहे थे? गांव में और क्या क्रिकेट होती है खेलने के लिए? ये गिल्ली डंडा है, कबड्डी है, कभी कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, और क्या है? तुम्हारी ये उम्र है गिल्ली डंडा खेलने की? ये उम्र और किस चीज के लिए है? हाँ जी। ये बिटर बिटर क्या देख रहे हो? तुसी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने मुझे बदसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर गिल्ली मेरे आँख में लग जाती तो मैं सारी उम्र के लिए कानी हो जाती। तो भी तुम बहुत खूबसूरत लगती, और लोग तुम्हें प्यार से कहते हैं कानी जी, ए कानी रानी। एक बात पूछो, बुरा ना माने तो। क्या है? आपकी शादी हो गई? तुमसे मतलब? क्या मुसीबत है? अजी आपका ये 5 का नोट रह गया, ले जाइए। इधर इधर। अरे देते क्यों नहीं? मैं तो मजाक कर रहा था जी। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि आपको पहले हमने इस गाँव में कभी नहीं देखा, आप कब आई इस गाँव में? अरे बस 2 दिन पहले तो यहाँ आई हूँ। यहाँ बापू ने सड़क किनारे एक ढाबा खोला है, राम जी का ढाबा। राम जी का ढाबा? क्या बात है, फिर तो हम खाएंगे रोटियों का छापा। आपका टाइमिंग क्या है जी? कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? मेरा मतलब खुला रहता है जयराम जी की। राम जी, आखिर भेज जी, काम करते हो बड़े तेज जी, थैंक यू। अरे भाई ये बेड रखना है कि? अगर बोला ना विजय के नाम से बुक है। उस रोज तो जरा जिस्मानी कमजोरी थी, शरीर में जान नहीं थी। आज देखो कैसे उसे तोड़ मोड़ के इस बिस्तर पे लाके लिटाता हूँ। ये दूध तो पी लो उस्ताद। पहले उस्ताद ने रोज 10 ग्लास दूध और 10 ग्लास जूस पिया है। आज वो बच नहीं सकता। अरे बचेगा कैसे? आज देखो कैसे उड़ा उड़ा के पकड़ता हूँ, पकड़ पकड़ के उड़ाता हूँ, फिर देखना मेरी ताकत। चलो डॉक्टर। अब बोल। अब बोलूं क्या? इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ और तेरा पता ही नहीं। अरे बापू सोए तब ना। तू ऐसे कर, मुझे घंटी बना के अपने गले में लटका ले। सुंदरी, मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ। हमारी सारी जमीनें ठाकुरों के पास गिरवी पड़ी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे छुड़ा लें। भाई खेतों में काम करता है, इसलिए मैं मेहनत करके पैसा कमाना चाहता हूं और इतने ढेर सारे पैसे गांव में नहीं मिल सकते, इसलिए मैं शहर जाना चाहता हूं। तूने क्या समझा था कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह तुझे जाने नहीं दूंगी? तू शहर जा और जितनी जल्दी हो सके रुपए कमा के अपनी जमीनें छुड़ा ले, लेकिन शहर में कोई दूसरी घंटी नहीं मान लेना। ठीक है। माँ, भैया नहीं आया? कहा तो था जल्दी आने के लिए। विजय, मैंने सोचा बस निकल गई होगी। ये पापड़ बड़ी लेकर आया हूँ। ये देख, ऐसे पापड़ बड़ियाँ वहाँ शहर में अच्छी नहीं मिलती, सब नकली माल होता है। मैंने तो सुना वहाँ केले संतरे भी नकली होते हैं। इसे रख ले और ख्याल रखना अपना। सुन, अपना ख्याल रखना। वहाँ पीछे की कोई फिक्र नहीं करना। माँ का ख्याल मैं रखूंगा और पढ़ाई लिखाई दिल लगाकर करना। चिट्ठी लिखते रहना मुझे, हर हफ्ते एक चिट्ठी आनी चाहिए तेरी। अगर नहीं लिखेगा ना, माँ परेशान हो जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। हाँ, जीता रहे। आओ छोटे बाबू। ये शैतान किसके आ रहे हैं? अरे बोल मत, सुनता जा। अरे चिमगादड़ बनकर आ रहे हैं, तू मक्खी बनाकर उड़ा दे। जरा दो बात कर ले। मुझे इन सालों से कोई बात नहीं करनी। लेकिन हमें तुमसे बात करनी है अमर। हम तुम्हारे इस इलाके में शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे इंजीनियर को तुम्हारी जमीन पसंद आई है। क्या तुम मेरी जमीन पर शराब की फैक्ट्री लगाओगे? हाँ अमर, इसलिए हम तुम्हारे साथ इस जमीन का सौदा करने के लिए आए हैं। तुम लोग पैदा कैसे हुए थे? क्या मतलब? लगता है तुम माँ की कोख से नहीं जन्मे, इसलिए माँ की कदर नहीं जानते। ये धरती किसान की माँ होती है और माँ का सौदा हराम की औलाद करती है, हलाल की नहीं। तूने हमें गाली दी? तू गाली की बात करता है? इस वक्त मेरे पास गोली होती, तेरे सीने में उतार देता। गोली चलाने वाले हाथ तोड़कर रख देंगे। हल चलाने वाले ये हाथ टूटते नहीं, गोली चलाने वालों के हाथ तोड़ के रख देते हैं। लगाओगे साला, गोली मारोगे। अरे पागल हुआ क्या? अरे छोड़ दे दोनों को। अरे ये दोनों मर जाएंगे, मर जाएंगे, हो जाएगी। अरे मरने सालों को क्या होगा? अरे भाई को पढ़ने भेजा है तूने, उसका क्या होगा? सोच तो इनका क्या है? ये तो यूं ही है। अरे छोड़ 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 दे, छोड़ दे। आजा आजा। तूने सांप की पूंछ पर पैर रखा है, इसके काटेगा तो देखना। अरे जारिस बोलिए, फिर कभी मेरी जमीन पर पैर रखा ना तो सर कुचल के रख दो। कहीं से पैसे कमाकर गिरवी जमीनें छुड़ा ले, नहीं तो कानूनन वो लोग जब्त कर लेंगे। छोटे बाबू कह गए हैं कि अपनी जमीन ठाकरों से छुड़ा लो। कैसे छुड़ा लो? एक तो सूखा, ऊपर से ये तूफान। रोक दे इस तूफान को भगवान, रोक दे इस तूफान को। ठाकरों के कहर का तूफान पहले ही क़यामत बनकर हम गरीब किसानों को तबाह बर्बाद करने पर तुला है। अगर तू हमारा है तो एक बात सुन ले, वो सर जो धनवान के आगे झुकता है ना, वो निर्धन का नहीं, वो तेरा सर है। तू झुकता है उसके आगे। तू तो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, हमारी शक्ति है। भगवान, हम तेरे श्रद्धालु, इस जमीन के बेटे, गरीब किसान, तुझसे भीख मांगते हैं, पानी की भीख मांगते हैं। चंद बूंदे, बस चंद बूंदे दे दे भगवान। इस बरस तूने इतना दिया है, इतना दिया है, उसमें से कुछ थोड़ा सा अनाज तुझे भोग लगाने के लिए क्या है हम प्रभु। अरे माँ, मैं भी भगवान को भोग लगाने आई हूँ। अच्छा किया माँ, इस साल तो भोलेनाथ ने हम गरीब किसानों की सुन ली। क्या गेहूं की फसल हुई इस साल, और हर साल इसी तरह सुनता रहा ना तो हम गरीबों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और अब की तो मैं फसल बेच के रुपया इन ठाकरों के मुंह पे मारूंगा और अपनी जमीन छुड़ा लूंगा। कुछ रुपया विजय को भेज देंगे, एक आध ट्रैक्टर ले लेंगे। मैं तो और कुछ मांगने आई हूँ। तू जरूर गन्ने की फसल मांगने आई है। शैतान, मैं तो मांगने आई हूँ तुम दोनों की शादी। अरे माँ, क्यों हमारे गले में फंदे डाल रही है? हाँ, एक काम करते हैं माँ, विजय जैसे ही शहर से आ जाए ना, उसके हाथ पीले कर देते हैं। हाथ पीले तो लड़कियों के होते हैं पागल। ओहो, तो फिर उसका मुंह पीला कर देंगे माँ। और तू? नहीं माँ, कम से कम घर में एक को तो काम काज कर रहने दे। तू बड़ा है, सबसे पहले तेरा मुंह पीला होगा। तेरा मुंह पीला होगा तो माँ हम भी ठीक है फिर। ढाबे ये लो भाई, आप यहाँ अकेले ही काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरी एक बच्ची भी है। तो वो सुंदरी नाम है उसका। ए, जितना खाना है सब उस मेज पर लगा दो। खाना तो खत्म हो गया। सुरजन नाम है मेरा, जो कुछ भी यहाँ है सब एक चुटकी में तहस नहस कर दूंगा। जल्दी खाना ला, जब तक हम भूख बढ़ाते हैं। अरे ये सब प्लेटें किसने तोड़ी? मैंने। चल 30 रुपए निकाल, 20 रुपए खाने के और 10 रुपए इन प्लेटों के। इस प्लेट के कितने पैसे लोगी मेरी? चले जाओ यहाँ से। अब तो इस प्लेट के पैसे देकर ही जाऊंगा। जिया मिला के, जिया भरमा के, चले नहीं जाना। ये पैसे दे दूं? पैसे इधर रखो। आप क्या नए मैनेजर हैं जी? जो भी है, पैसे इधर रखो। हेलो जी, हेलो। और बाकी के कहाँ हैं? बाकी ये 5 का नोट है। निकाल। रखूं? हाँ रख। रख दूं? अरे रख। अक्कड़ बक्कड़ बम्बा पो पकड़ पकड़ उठ 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 अरे उठ शाबाश उठ उठ आ जा उठ जा हाथ तो तेरा भी भारी है, तेरा पाँव भारी कर दूं। बहुत मेहरबानी, तुम्हें तकलीफ हुई। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। सुंदरी, मैं शहर में ठीक ठाक हूं, पर माँ भैया और तेरी बहुत याद आती है। गाँव वापस आते ही चट मंगनी और समझ गई ना। सुंदरी जी, दूध धो लिया? अरे आओ, क्या मर्द हो तुम, बिल्कुल खालिस इस दूध की तरह। क्या पिटाई की उन बदमाशों की। वो तो गिनती में बहुत कम थे, मेरी तो पूरी तरह से वर्जिश भी नहीं हुई। ये आपकी गाय कितने बार दूध देती है दिन में? दिन में 2 बार। तो 2 बार बस? अरे तुम्हें ज्यादा दूध चाहिए तो अपनी गाय को ज्यादा चारा डाल दो। चारा तो मैं डाल दूंगा, पर मुझे डर लगता है। किस बात का? वो कहीं मार दी दुलेती तो मेरी बत्ती से निकाल देंगे। अरे प्यार करोगे तो कभी दुलेती नहीं मारेगी। मेरी माँ कहती है भगवान ने मेरा दिल प्यार करने के लिए बनाया है, वो ठीक कहती है ना? मुझे क्या मालूम। शादी के बाद मालूम हो जाएगा। शादी? हाँ, माँ कहती है हमर शादी कर ले। तो कर लो। क्या लगता है मेरी शादी हो जाएगी? अरे क्यों नहीं होगी, अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान हो, शरीफ हो, सिर्फ शराब बहुत पीते हो। शराब ले, आज से शराब बंद शराब। और क्या बुरा लगता है? ये दाढ़ी क्यों नहीं निकालते? दाढ़ी क्या है, वो गांव में नाई है ना, पी के बड़ा रहता है। कल सुबह पकड़ूंगा साले को, बोलूंगा ये दाढ़ी भी मूछ भी साफ कर दे। फिर हो जाएगी ना मेरी शादी। एक और बात, तुम गंदे बहुत रहते हो। गंदा क्या ना, मैं वो काम में लगा रहता हूँ। अब ध्यान रखूंगा मैं अपना। बस तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। हाँ। मेरी शादी, अरे मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी। एक 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 मिनट। अरे क्या हुआ? ना एक मिनट यार, ई का पी रहे हो बाबू? ए भाई, तुम्हारे काम की चीज नहीं, तुम काम करो। अच्छा खाएगा हम का? नहीं भैया, आज सब गांव वाले बंद कर रहे हैं, मैं भी बंद कर रहा हूँ। अच्छा। ये तो बस मेरा सर में दर्द हो रहा है ना। हम भी आखिरी दिन पी लेंगे। सुनो, एक काम करो, ये हमारी मूंछ में साबुन नहीं लगा ना। एक काम करो, ये हमारी मूंछ को एकदम ये तलवार मार का एकदम ये। अरे तलवार कट बनाए के कहाँ जाना है बाबू। इधर वो नहीं, उसने वो तुम काटो बाल। वो कितनी खुश होगी आज देखेगी ना, समझ। दाढ़ी और तलवार मार का मूछ, आंख में सुरमा, साला अच्छा कपड़ा भी देखना पड़ेगा। हमका भी सिलाई दो बाबू। इधर वो दुकान पे सूट मिलता है, सूट। हाँ। डा 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 छेला बाबू बाबू छेला बाबू बाबू। शीशा दिखा। नहीं, शीशा नहीं दिखाऊंगा। दिखाना यार, देखने में तो मैं कैसा लगता हूँ। नहीं, वो देखेगी तो मर जाएगी। नहीं दिखा। अरे दिखाना। नहीं हरामी, किधर है शीशा? चला बा मार का नहीं रही ना, सही मक्खी मार का बनाता हूँ। अरबा सोट पतलोन दिला दे पैंट पतलोन जेंटलमैन साहब लगेंगे बाजे बजेंगे शादी होएंगे एंड थैंक यूइंग हेलो हॉर्स आई सिटिंग यू गोइंग बरात मैरिज माई मक्खी मोच हॉर्स नो पहचानिंग हाउ मदर पहचानिंग very difficult I खटखटाएं कुंडी खोलेंगे दरवाजा मदर नो पहचानी माय डियर मदर आई एम योर अमर डोंट चेहरा कवर वेरी गुड खबर टाका भिड़ गया नगर। कौन हो तुम? ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे माँ घोड़े ने भी नहीं पहचाना और तुम भी नहीं पहचान रही हो। ये मेरी मक्खी मूंछ और मेरी वर्दी ने तुम्हें धोखा दे दिया। उतार ये सब कुछ उतार पहले। मैं उतार कह रही हूँ ना। उतार ये मुझे डराता है। तलवारबाजी ये झाड़ू के नोटस के जैसा स्वाद क्या बड़ा है। बहुत खुश है हमारा अपनी फसलों पर। हाँ तुम्हें याद होगा शमशेर, बचपन में एक बार गांव में खुशहाली आई थी, तब पिताजी ने क्या किया था। और अब हम भी वही करेंगे। उसकी सारी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। हरामजादा बहुत दुआई देता था अपनी धरती माँ की, अब देखेंगे जब धरती माँ उसे अनाज के बजाय राख का ढेर देगी। पिछली बार तो बांध टूटा था, अब की बार उसकी फसलों में आग लगेगी। वचन देती हूँ ये कभी हवेली नहीं आएगा। होश में आए तो इसे समझा देना, आइंदा इसने हवेली की तरफ रुख किया तो हम इसे जिंदा जला देंगे। इन जले हुए खेतों को यूं ही देखता रहेगा? जो कुछ होना था हो चुका। नहीं नहीं मां, जो होना चाहिए था वही तो नहीं हुआ। हमारी इस हंसती खेलती छोटी सी दुनिया में उन जालिमों ने आग लगा दी। मां, मुन्ने को बड़ा बनाने के लिए जो मैंने और तुमने सपने देख रखे थे, आज उन दरिंदों ने उन सपनों को जला डाला। मां, हमारे उन सपनों को जला डाला। भूल जा बेटे, भूल जा और भगवान पे भरोसा रख। भगवान? मां, अब भी तुम्हें भगवान पे भरोसा है? उस भगवान पे जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पल भर में हमारा सब कुछ लूट लिया। मां, अभी तुम्हें उस भगवान पे भरोसा है? नहीं मां, भगवान के घर में हम गरीबों के लिए इंसाफ नहीं। पाप धन दौलत वाले करें, सजा हम गरीबों को भुगतनी पड़े। ये हमारा नहीं है मां, ये उनका है, ये उन ठाकरों का है जो लाखों का चढ़ावा इसके दर पे चढ़ाते हैं। अब अगर इन ठाकरों ने मेरी जमीन पर डाका डाला तो मैं उस भगवान के घर पर डाका डालूंगा और छीन लूंगा वो सब चढ़ावा जो रिश्वत के तौर पर इन ठाकरों ने चढ़ाया है। अब मैं किसी को बख्शूंगा नहीं मां, अब मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। निशाना तो बेचूक है, मगर लकड़ी की बनी हुई इन बेजान तस्वीरों और जानदार इंसान में फर्क होता है इंस्पेक्टर। और फिर बादशाह तो एक डाकू है। मुझे मालूम है, पिछले कई सालों से बार बार कोशिशों के बावजूद भी ये पुलिस के पकड़ में नहीं आया। चित्रपुर में ठाकुरों का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें हर साल लाखों का चढ़ावा चढ़ता है। हम जानते हैं। इस साल वहां एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है जिसमें ठाकुर 5 लाख के हीरो का हार चढ़ा रहे हैं। आई सी। यकीनन ये खबर डाकू बादशाह को मिल गई होगी और वो उस हार को उड़ाने के लिए मेले में जरूर आएगा। बस उस मेले में डाकू बादशाह का सर होगा और होगी मेरी। धमकियों से डर जाए वो हम नहीं, पुलिस की गोलियां भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम सीना छलनी कर देंगे आसमान का, करवट बदल देंगे जमीन की और रुख बदल देंगे उस हवा का जो उस हार की खुशबू में किसी दूसरे तक पहुंचाएगी। वो एक हार हजारों भूखों को रोटी दे सकता है। वो एक हार सैकड़ों मजदूरों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कर सकता है। वो एक हार दूसरों के लिए तपती धूप में हल जोतने वाले किसानों को अपनी जमीन का मालिक बना सकता है। हम मुहार हासिल करके रहेंगे, बाखुदा हम मुहार हासिल करके रहेंगे। सबकी खबर तू पा जाती है, पर बातों में आ जाती है। सबकी खबर तू पा जाती है, पर बातों में आ जाती है। माँ तू धोखा खा जाती है। तेरी ममता भोली भाली, तेरी ममता भोली भाली। माता तेरे दर पे आए सवाली, खाली झोली भर दे। माता तेरे दर पे आए सवाली, मुरादे पूरी कर दे, खाली झोली भर दे। माता तेरे दर पे आए सवाली। माता शेरों वाली, माता मेरों वाली, माता शेरों वाली, भर दे झोली वाली, माता शेरों वाली। हमारा नाम बादशाह है, हम उड़तों के पर और दौड़तों के पैर काट दिया करते हैं। दो जहान के मालिक ने वो ताकत आज तक किसी को नहीं बख्शी जो हमसे हमारी चीज छीन कर ले जाए। बादशाह, तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर बख्शिश में मिला है और हम गरीब अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं। अच्छा, जिसके बाजुओं में ताकत होगी वो आज हार ले जाएगा। खामोश! तू जाएगा कहां? तू मौत से तो बच सकता है लेकिन बादशाह से नहीं। अमर, ये लो अपनी जमीन के कागजात। अब ठाकुरों के पास तुम्हारी जमीन गिरवी नहीं रही। थैंक यू जी, थैंक यू। वाह, वैसे भी हम गरीब किसानों के खून पसीने की कमाई, ये जमीन जा ही नहीं सकती थी। अमर, चले तेरा सत्यानाश। तूने तो मुझे डरा दिया। खुशखबरी, खुशखबरी। मैं ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तेरी भूख मर जाएगी। इससे पहले कि तेरी भूख मर जाए, चल आलू की 6-6 पराठे खा ले। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खजाना मिला नहीं, खजाना लूट कर लाया है। अरे मुन्ना, तू आ गया रे। हाँ, इस इलाके के नए पुलिस स्टेशन का नया ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर विजय सर। अरे माँ, ये पुलिस ऑफिसर बन गया, कैसा है रे? आपके आशीर्वाद से भाई। अरे इधर आ। कहाँ छुपा कर रखा है? क्या? देख भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी कोई बात मुझसे छुपी नहीं। और अब तो मैं पुलिस वाला हूँ, सब कुछ पता लगा लूंगा। सच सच बता दे। देखा माँ, देखा, कहावत पूरी करने जा रहा है ये कि जिस दिन मैं थानेदार बन गया ना, सबसे पहले घर वालों की पिटाई करूंगा। अरे मैंने कोई खजाना वजाना नहीं उड़ाया। अरे मैं खजाना नहीं, खुशखबरी पूछ रहा हूँ। कौन सी खुशखबरी? ये कि तू आ गया। चल चल परे हट। मुझे तो तुम दोनों से खुशखबरी चाहिए। तुम दोनों की मुझे शादी चाहिए इसी महीने, बस। सुन लिया? ओ सावन का महीना ते अम्मा करे सौरा। और जल्दी से पराठे बना दे। बनाती हूँ। पर भैया, माँ की इच्छा पूरी करी देनी चाहिए। छिटके, लगता है टांका भिड़ा लिया। हाँ, भिड़ तो गया है, लेकिन पहले तुम निकलो। मैं क्यों? हाँ, समझ गया। जब तक मेरा इंजन नहीं निकलेगा तेरे लिए लाइन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारे लिए सोचता हूँ मैं भी कुछ ना कुछ। लगता है तुम्हारा भी कहीं नहीं हूँ, लेकिन देखो माँ को नहीं पता लगना चाहिए। माँ को नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं देखूंगा तुम्हारी वाली, क्योंकि बड़ा है मुझसे। अरे चुप, मैं बड़ा हूँ, पहले मैं देखूंगा, पसंद करूंगा, फिर आगे बात करूंगा उनसे। ठीक है, डन। सुन तो मेरे हम जोली छोड़े। रब का नाम ले। सुन तू मेरे हम झोले बस छोड़े आँख मिचोले, अब ले जा मेरे झोले रब का नाम ले। छोड़े आँख में चोली, अब ले जा मेरे टोले रब का नाम ले। सुन ओ मेरे हम चोले बस छोड़े आँख में चोली, अब ले जा मेरे टोले रब का नाम ले। समझो नैनों की बोली, बस छोड़े आँख में चोली, अब ले जा मेरे टोले रब का नाम ले। सुनो मेरे हम चोली बस छोड़े आँख में चोली, अब ले जा मेरे टोले रब का नाम ले। क्या टोली क्या बाराती, दुनिया है आती और जाती, हम दोनों है जीवन साथी रब का नाम ले। छोड़े आँख में चोली, अब ले जा मेरे टोले रब का नाम ले। अब ले जा मेरे टोले रब का नाम ले। अब ले जा मेरे टोले रब का नाम ले। तो भाई ये वो पास कर दी ना। तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। हाँ। शादी अरे मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। अरे पगले, इसे तो मैंने पसंद किया था तेरे लिए। कमाल है, मेरी पसंद भी तुझे पसंद आ गई। इतनी अच्छी लड़की तो जिंदगी में नहीं मिल सकती थी। माँ से जाकर कहता हूँ कि जल्दी से लगन की। अरे भैया, अपनी वाली नहीं दिखाओगे? अरे फकले, अगर मैं तुझे ये कह देता कि मेरी कोई नहीं है तो आज दिखाता इसे। और फिर मुन्ने, शादी ब्याह तो भगवान के हाथ है। हो सकता है दूल्हे की लिस्ट में अपना नाम ही ना हो, और हो सकता है नाम हो कोई हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद आ गया हो, है ना, और हमारा नाम काट दिया गया हो। और जिस दिन लिस्ट में नाम आया उस दिन चट मंगनी पाट गया। अरे जोर लगा के हैया, पैर जमा के हैया। जोर लगा के। अरे अमर आ गया। अरे अमर क्या होगा छोटे बाबू? अरे घोड़ी की टूट गई कमर। अरे भैया जरा चक्का बाहर निकाल दे। ये चक्का निकलने वाला नहीं छोटे बाबू, इसको जितना बाहर निकालोगे उतना ही अंदर जाएगा। अरे अमर किस दिन तेरी ताकत काम आएगी। अरे निकाल दे निकाल। छोटे बाबू तुम कहते हो तो निकाल देता हूँ, वरना ये बग्गी तो धसी है। आजा आजा आजा। अरे मेरा शेर। हाँ हाँ है। बोल मत सुनता जा। ये घोड़ी के कान में कौन सा फूका मंतर के रफू चक्कर हो गई। तुम्हें बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। मैंने घोड़ी धन्नो है ना, घोड़ी का हाँ धन्नो है। मैंने कहा धन्नो तेरा लगन हो गया। मैंने कहा लगन करेगी। मैंने कहा मेरे घोड़े के बारे में क्या ख्याल है, तो कहने लगी मानेगा क्या। मैंने कहा कैसे नहीं मानेगा, घोड़ा ताकतवर है, अपनी ताकत का अंदाजा तू भी बता दे कि तेरे में भी बड़ा दम है। भैया निकाल के बाहर आ जा, फौरन हाँ करवा लूंगा उससे। अब तो देख बात जमा ले, सेठ से बात करके कोई अच्छा सा दिन देख के इसके लगन की तारीख पक्की कर देना। इन ठाकरों के कोई भी धन्नो फंस फंसा जाना, बुला लेना, काम कर दूंगा। फसावा तो बहुत ही है ये, मगर इसको मत निकालियो। छोटे बाबू जी इधर आओ। आया सरकार। अरे माफ करना सरकार, फिर वही आदत है ना। वो कौन था? वो घोड़ा था। अबे गधे, घोड़ा नहीं, घोड़े वाला कौन था? घोड़े वाला नहीं सरकार, वो अमर है। हाल ही में उसका भाई विजय यहाँ का थानेदार बन के आया है। आज मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और इस पुलिस की वर्दी में मेरे भाई की मेहनत का पसीना चमकता दिखाई देता है। सच पूछो तो मेरा भाई किसी देवता से कम नहीं है। इंस्पेक्टर, देवताओं ने धरती पर जन्म लेना बंद कर दिया है। तुम्हारा भाई एक चोर है। चित्रापुर के मेले में 5 लाख का हार चुराने वाला बादशाह डाकू नहीं, बल्कि तुम्हारा भाई अमर है। मैं आपकी जबान खींच लूंगा। खबरदार, यह मत भूलो कि हम एक जज हैं। जी हां, मैं भूल गया था कि आप एक जज हैं और उस ठाकुर के भाई हैं, जो जन्म से गरीबों का दुश्मन है, जिसके खाते में एक बार किसान की जमीन चढ़ जाती है तो वापस किसान के पास उतर कर नहीं आती है। जज साहब, मैं भूल गया था कि वो बरसों से हमारी छोटी सी जमीन पर नजरें जमाए बैठा है और उसे हथियाने के लिए वो आप के जरिए मेरे भाई को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेजने का भी सोच सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जज साहब, अभी तक इस इलाके में सिर्फ फरियादी थे, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। जुल्म सहने वाले थे, जुल्म रोकने वाला कोई नहीं था। मगर अब जुल्म का जवाब है। अब यहां किसी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भाई ने चोरी की है? सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारी गिरवी रखी हुई जमीनों के कागजात। उन कागजात को तुम्हारा भाई अदालत में पैसे जमा करवाकर छुड़वा लाया है। तो क्या हमारी जमीन गिरवी से छूट गई? जी हाँ, सिर्फ 1,75,000 रुपए में। और फिर दूसरा सबूत हम हैं। हमने खुद उसे मेले में हार चुराते हुए देखा है। विजय, तुम यहां कानून के रखवाले बनकर आए हो और तुम्हारा भाई कानून का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या तुम उसे गिरफ्तार कर सकोगे? तुम्हारे हाथ तो नहीं कांपेंगे? अगर यह सच है तो चोर को पकड़ना मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी फर्ज की वर्दी पर बदनामी की गर्द जमने नहीं दूंगा। आज तो मेरी माँ बंद गोभी बना रही है। ये सब क्या लाया है तू? ये देखो, ये साड़ियाँ हैं, एक तेरे लिए ये वाली और ये सुंदरी के लिए, और ये रहे तेरे लिए 2 कंगन। ये देख, ज्यादा सवाल मत कर। जिस माँ के दो हट्टे कट्टे बैल जैसे बेटे हों, उसके हाथ में कंगन नहीं हो, शर्म की बात है ना। पर इतने सारे पैसे तो लाया कहाँ से? मैं बताता हूँ, इसने देवी माँ के मंदिर से हार चुराया है। क्या? हे भगवान, इतना बड़ा झूठ! ये पुलिस वाला होकर झूठ बोलता है माँ, जिसके दिल में मेरे लिए इतना भी प्यार नहीं, खराब का तेरी मेरी लड़ाई करवाना चाहता है। तूने कभी हार देखा मेरे पास? देखा है कभी? अरे छुटके, ये देख कितना बढ़िया कपड़ा लाया हूँ तेरे लिए। इससे तो अच्छा होता हम सबके लिए कफन ले आता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई एक चोर है। विजय, मैं चोर नहीं हूँ विजय। तुझे मेरी कसम भाई, सच बोल, क्या तूने देवी माँ का हार नहीं चुराया? बोल। मैंने देवी माँ का हार नहीं चुराया। मैंने हार चुराया है उन डाकुओं का जिन्हें लोग ठाकुर कहते हैं, जो हमेशा हमारी खुशियां लूटते रहे, हमारा सुख चैन लूटते रहे, जिनका लगान, जिनका सूद ब्याज भरते भरते हमारा खून पसीना बनकर बहता रहा, और जिनकी वजह से हमारी माँ की हर आरज़ू मिट कर रह गई। मैंने उनका हार चुराया है, मैंने बदला लिया उनसे, और मैं उनसे हमेशा बदला लूंगा। तुमने बदला लिया, लेकिन कानून की नजर में तुमने एक जुर्म किया है। और उन ठाकरों ने, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया मुन्ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं। भाई, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब मैं नहीं, अदालत देगी। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि मुजरिमों को पकड़कर कानून के सामने पेश करना। इसका मतलब है तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? मैं मजबूर हूं भाई। तो पहले इस मजबूरी का इस्तेमाल उन ठाकरों पर करो। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार कर लोगे ना, मैं आकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। भाई, तुम कानून से भाग नहीं पाओगे। रुक जा। माँ मुझे छोड़ दे, वरना आज के बाद कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। नहीं। छोड़ दे माँ। रुक जा भाई, रुक जा भाई, मैं कहता हूँ रुक जा। क्या किया तुमने? मैं उसके घोड़े पर निशाना लगा रहा था, तूने मेरे भाई को जख्मी कर दिया। हट जा। साले चोर, ठाकरों के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा कि तुझे उस हार के बदले में अपनी जिंदगी हारनी होगी? हारने के बारे में वो सोचता है जिसे अपनी जीत पर यकीन ना हो। आज तुझे सिर्फ एक बात पर यकीन करना पड़ेगा, अपनी मौत पर। ले, मरने से पहले इस कागज पर दस्तखत कर। अदालत में पैसे जमा करके जो जमीनें तूने छुड़वा ली हैं, वो आज से फिर हमारी हो जाएंगी। अगर अब तूने उस धरती पे कदम रखा ठाकुर, वो धरती तुझे निकल जाएगी। और तूने दस्तखत नहीं किए तो हम तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। तू इस वक्त मेरे सामने कितना नीचे गिरा हुआ है। नीचे रहकर भी मेरी आंखें गर्व से ऊंची हैं, और तेरी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं। नहीं बचेगा। अपने भाई की मौत का बदला मैं तुझ अकेले से नहीं, तेरा सारे खानदान से लूंगा, लाशें बिछा दूंगा मैं सबके। आज मैं तेरे घर को जलती हुई चिता बना लूंगा। नहीं शमशेर नहीं, जब तक हम कानून की कुर्सी पर बैठे हैं तुम्हें किसी के खून से हाथ नहीं रंगने देंगे। हम पर भरोसा रखो, हम उसे कानून के जाल में ऐसा फांसेंगे कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। अमर, तुझे मेरी कसम, अगर तूने घर के बाहर कदम रखा, चल, चल। माँ, विजय, विजय। छुपा दिया ना तूने, तूने एक माँ का फर्ज अदा किया है, अब मैं अपना करूंगा। उसकी हालत बहुत बुरी है, वो बुरी तरह से जख्मी है। एक जख्म उसने हम दोनों को भी दिया है। कल तक उस पर सिर्फ चोरी का इल्जाम था, जिसकी सजा थी कैद, और आज आज उस पर खून का इल्जाम है। माँ, हाँ माँ, उसने ठाकुर के छोटे बेटे का खून किया है, और जिसकी सजा तू जानती है, फांसी। नहीं, तू चला जा यहाँ से, तू चला जा। तूने कुछ नहीं देखा, तूने कुछ नहीं देखा, तू यहाँ आया ही नहीं, तुझे मालूम ही नहीं अमर कहाँ है। मैं उसको रातों रात लेके कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर तू कानून की नजरों में मुजरिम बन जाएगी। माँ, खबरदार जो मेरी माँ को मुजरिम कहा। मेरी माँ मुजरिम नहीं है, मुजरिम है वो लोग। और मुन्ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। अगर मैं उन पर गोली नहीं चलाता तो आज तेरा भाई जिंदा नहीं होता। मैंने अपने बचाव के लिए गोली चलाई थी। क्यों, मेरा यकीन नहीं आ रहा तुझे? तो जाके पूछ उनके साथियों से। सोच क्या रहा है? क्या तुझे अमर पर विश्वास नहीं? विश्वास है माँ, लेकिन ये सब हमें साबित करना होगा, और मैं साबित करूंगा। उन लोगों को गवाह बनाकर अदालत में पेश करूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हारा अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना भी मासूमियत के हक में माना जाएगा। तुमने अपने बचाव के लिए गोली चलाई भैया, तुम पर खून का इल्जाम नहीं लग सकता। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम पर खून का इल्जाम नहीं लगने दूंगा। मुझ पर विश्वास करो भैया। अरे मुन्ना, तेरे विश्वास के भरोसे तो मैं इस दुनिया से लड़ जाऊं। इस अदालत की कौन परवाह करता है? मैं जीना चाहता हूं, माँ के लिए, तेरे लिए। मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे भरोसा है तू मुझे अदालत से इंसाफ दिलाएगा। चल, ले चल मुझे। रणवीर का खून करने से पहले तुझे अपने अंजाम का ख्याल नहीं आया? अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तूने कि वो कैसे और कितना चीखेगी? चीखना चिल्लाना अमर ने सीखा ही नहीं जज साहब। और फिर मेरी बेगुनाही का सबूत मेरा छोटा भाई इंस्पेक्टर विजय लेकर आता ही होगा। जिस सबूत का तू इंतजार कर रहा है, उसके पन्ने हमने हवाओं में बिखेर दिए हैं। अब हम नेस्तो नाबूद कर देंगे तेरा घर, तेरी जमीन, तेरा भाई और तेरी माँ। एक बार खोल कर तो देख, मैं तेरी हवेली को बूचड़खाना बना दूंगा। मैं गर्दनें काटता जाऊंगा और तुम किनते जाना, तू हमारा खून करेगा हरामजादे। हाँ, मैं तेरा खून करूंगा और तेरा गोश्त अपनी गली के कुत्तों को खिलाऊंगा। नहीं, मेरे बेटे के साथ ये जुल्म नहीं हो सकता। भगवान हमारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अमर भैया को कुछ नहीं होगा माँ, सुबह होने से पहले विजय उनके हक में सारे सबूत लेकर पहुंच जाएगा। मैं चाहूं तो इन तलवारों से तुम लोगों की लाशों पर अपना नाम लिख सकता हूं, मगर मुझे अपने भाई को बचाने के लिए तुम दोनों की गवाही चाहिए। चलो। ज्वाला सिंह। नहीं बेटे, मुझे तो शायद भगवान ने तुम्हारी जान बचाने के लिए यहां पर भेजा है। जान बचाने का शुक्रिया। भगवान जो करता है वो उसका कानून है, क्योंकि जिस कानून का मैं आदमी हूं उसकी नजरों में तुम डाकू हो। मैं तुम्हें और इसे गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर विजय, इससे पहले कि तू मेरे बाबा को गिरफ्तार करे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय, विजय, विजय। उमा, मैं तो बाबा से अमर की जिंदगी मांगने आई थी, पर ये बाबा ने क्या कर दिया? अमर भैया को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। तुझे नहीं मालूम बेटे, जैसा आपने उसे फांसी की सजा दी है। अगर मेरे अमर भैया को कुछ हो गया ना, मैं उन ठाकुरों को जिंदा काट दूंगा। विजय, जिंदा। विजय, विजय। साल कहाँ थे आप? मैं सब कुछ भूल गया था गंगा। अब सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। आज तुमने मुझे बचाया क्यों? बादशाह अपना हिसाब पूरा किए बगैर किसी को मरने नहीं देता। हमने कहा था ना कि दो जहान के मालिक ने वो ताकत आज तक किसी को नहीं बख्शी जो हमसे चीज छीन कर हजम कर जाए। हार कहाँ है? वो हार तो हजम हो गया बादशाह। जब तुम आसानी से मुझे मार सकते थे तो बचाया क्यों? मैं कैसे मार देता जबकि तुमने मेरी जान बचाई है फांसी के फंदे से। हाँ, मेरी दुश्मनी इस जज से जरूर है जो बगैर किसी कसूर के मुझे फांसी दे देना चाहता था, और मेरी दुश्मनी उन ठाकरों से जो सदियों से हम गरीब किसानों का खून चूसते आए हैं। और देखो दोस्त, वो हार जिसके लिए तुम मेरे पीछे पड़े हो, उसे बेचकर मैंने अपनी और गांव वालों की गिरवी रखी जमीनें अदालत से छुड़वाई हैं। अब ये खुद सोच लो मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है। दोस्त, हमने भी कसम खाई है कि हम हर हाल में जुल्म के खिलाफ मजलूम का साथ देंगे, और आज से हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकरों की ये हवेली वो अदालत है जहां किसी औरत की कोई सुनवाई नहीं होती, और यहाँ के मालिकों को भगवान का वो वरदान है जिनके आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, हंसकर भी और रोकर भी। आओ, किससे पूछकर यहाँ आए हो? मौत किसी से पूछकर नहीं आती। श्यामो, ध्यान सिंह, कोई है? जब मौत आती है तो सब भाग जाते हैं। अब यहां कोई नहीं आएगा जज, तुम जाओगे दुनिया के मालिक उस जज की अदालत में अपने गुनाहों की सजा भुगतने। तुम? हाँ, मैं। बहुत शौक है तुझे मौत की सजा सुनाने का। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो तेरे इस नापाक शरीर को छुएगा कौन? तुझे छुएगी मेरी ये गोली। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? बेइंसाफी करने वाले मुनसिफ की सजा माफी नहीं, मौत है। ना! ना! मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता अमर कहाँ है, और पता होता तो भी नहीं बताती। क्या किया उसने? उसने मेरे भाई की जान ली है, मेरे चाचा का खून किया है उसने। और अपना क्या भूल गए तुम लोग? क्या क्या जुल्म नहीं किए उसके ऊपर। उसके खेत जला दिए, उस बेकसूर पर खून का इल्जाम लगा दिया तुम लोगों ने। अब वो तुम्हारे जुल्मों का बदला लेगा, नहीं छोड़ेगा तुम्हें। बढ़िया, मैं वो दिन भूला नहीं जिस दिन तेरा बेटा मेरी बहन को उठाकर ले गया था। गिन गिन के बदल लूंगा मैं तुम लोगों से। खून की होली खेली जाएगी। और गांव वालों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम में से जिसने भी अमर को बना दे, मैं उसके घर का नाम निशान मिटा दूंगा। जिस धरती पर वो पांव रखेगा उस धरती को मैं तबाह कर दूंगा। जिस काम से वो गुजरेगा उस काम को जलाकर मैं शमशान बना दूंगा। चलो और सुनो, जाने से पहले इस घर पर अपनी मोहर छोड़ दो। चला कर रख कर दो इसे। ऊपर पहुंचा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये धरती के बेटे हैं ना, लगा लो ना धरती मां के गले। मेरे भाई बादशाह, माँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ माँ। मैं यतीम होते हुए भी कितना खुश नसीब हूँ जिसे ऐसी माँ मिली हो, ऐसा भाई, तेरे जैसा दोस्त मिला हो। तू रो रही है माँ? माँ, माँ, तू पुनर्जन्म में विश्वास रखती है ना? मैं तो इस घर में कहा था ना इसी घर में जन्म लूंगा। मुझे सीने से लगा के देख मां, मैं तेरा अमर हूं।